नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबर अयोध्या से है, जहां धर्म नगरी में धर्म परिवर्तन के शर्मनाक खेल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जो पादरी बनकर ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था। हैरान करने वाला मामला ग्रामीण क्षेत्र थाना महराजगंज के रुदौलिया गाँव का बताया जा रहा है। यहां पर एक कथित धर्म सभा के नाम पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को धर्म विशेष में जोड़ने के लिए उकसाया जा रहा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। रुदौलिया गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले घनश्याम मौर्य लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घनश्याम का पूरा परिवार ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका है। इसके बाद वह प्रार्थना सभा और नीर पिलाने के नाम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। जानकारी के अनुसार ये सिलसिला पिछले 8-9 वर्षों से चल रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही मौके से भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे घनश्याम मौर्य को पुलिस ने वहीं से दबोच लिया। थाना प्रभारी अनुपम मिश्र ने कई पुस्तक और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपित घनश्याम मौर्य को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप मानते हुए कार्रवाई की, हालांकि उसे जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार बस्तीपुर से अपहरण युवती का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला भी प्रकाश में आया है। युवती की मां ने 3 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 3-4 युवकों को हिरासत में लिया है। युवती की मां ने बताया कि रिजवान उनके घर आता रहता है, पहचान छिपाने के लिए अपना नाम पप्पू नाई बताया था और बेटी से बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, रिजवान ने 9 अगस्त को बेटी का अपहरण कर लिया। रिजवान जवाहर बिहार कॉलोनी के मोहम्मद वसीम के यहाँ काम करता था। वह जब बेटी के बारे में जानकारी करने वसीम के पास पहुंची, तो वहां से उसे भगा दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे युवती की माँ काफी चौंक गई। 10 अगस्त की सुबह वसीम और सलमान 7-8 साथियों के साथ आए और कहा कि तुम्हारी बेटी ने धर्म परिवर्तन करके रिजवान से निकाह कर लिया है। जिसके बाद युवती की मां कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने युवती की कॉल डिटेल के आधार पर 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि युवती की खोजबीन के लिए SOG की मदद भी ली जा रही है। तो धर्म नगरी में धर्म परिवर्तन के शर्मनाक खेल का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने घनश्याम मौर्य को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद FIR दर्ज कर ली। बता दें कि घनश्याम मौर्य ने पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया है। वहीं सभा स्थल से कई धार्मिक पुस्तकें भी इस दौरान बरामद की गई। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में धर्म परिवर्तन की बात सुनकर काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।